हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे हब में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना से चलकर मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी इंदौर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 09314 पटना इंदौर फेस्टिवल स्पेशल के बारे में, जो कि एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन को वेस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता है। ट्रेन अपना डिस्टेंस 1357 किलोमीटर को पूरा करने में 28 घंटे और 10 मिनट का समय लगाती है। ट्रेन के पटना से इंदौर के बीच टोटल 14 स्टॉप्स हैं। ट्रेन हफ्ते में 2 दिन पैसेंजर को अपनी सर्विस देती है, वो दिन है बुधवार और शुक्रवार। ट्रेन में टोटल 22 कोचेस लगते हैं, जिसमें से 2 कोच सेकेंड एसी टायर के, 2 कोच थर्ड एसी टायर के, 12 स्लीपर कोच, 4 सेकेंड सीटिंग के कोच और 2 SLR कोचेस लगते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन के टिकट फेयर की। तो स्लीपर में 555 रुपये, थर्ड एसी में 1505 रुपये, सेकेंड एसी में 2200 रुपये और सेकेंड सीटिंग में 310 रुपये लगते हैं। दोस्तों ये किराया पटना से इंदौर के बीच का है, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और GST चार्ज इंक्लूड होता है। दोस्तों इस ट्रेन में स्लीपर में कोई GST चार्ज नहीं लगता है। अब बात करते हैं ट्रेन के हॉल्स के बारे में। तो ट्रेन पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से सुबह 11:10 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर दोपहर के 2:59 पे पहुंचती है और 3:09 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे दोपहर के 3:50 पे पहुंचती है और 4 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 229 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होती है। फिर ट्रेन जौनपुर सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे शाम के 4:58 पे पहुंचती है और 5 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन सुल्तानपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे शाम के 6:15 पे पहुंचती है और 6:20 पे यहां से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहां 5 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे रात के 10:25 पे पहुंचती है और 10:35 पे यहां से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहां 10 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे रात के 12:30 पे पहुंचती है और 12:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन ओराई के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रात के 2:06 पे पहुंचती है और 2:08 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन झांसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे सुबह 4:25 पे पहुंचती है और 4:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक ट्रेन 804 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन ललितपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे सुबह 5:38 पे पहुंचती है और 5:40 पे यहां से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहां 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन बीना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 7:05 पे पहुंचती है और 7:10 पे यहां से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहां 5 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन संत हिरदाराम नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह 9:35 पे पहुंचती है और 9:40 पे यहां से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहां 5 मिनट का स्टॉप है। यहां तक ट्रेन 1104 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है। फिर ट्रेन शुजलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सुबह के 11:01 पे पहुंचती है और 11:03 पे यहाँ से रवाना होती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन उज्जैन जंक्शन के प्लेटफॉर्म 6 पे दोपहर के 12:45 पे पहुंचती है और 1:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 20 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन देवस जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दोपहर के 1:52 पे पहुंचती है और 1:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। फिर ट्रेन अपने डेस्टिनेशन स्टेशन इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दोपहर के 3:20 पे पहुंचती है और यहाँ तक ट्रेन 1357 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी होती है।